इंडिया में फैला कोरोना का कहर, एक साथ 8 खिलाड़ी हुए कोरोना पॉजिटिव, इंडिया वेस्टइंडीज सीरीज पर मंडराया रद्द होने का खतरा। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच 6 फरवरी को अहमदाबाद के स्टेडियम पर खेलने जा रही है। वेस्टइंडीज सीरीज से पहले ही टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है, उसके कई स्टार प्लेयर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में टीम इंडिया मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। वहीं फुल टाइम कप्तान बनने के बाद रोहित शर्मा की ये पहली वनडे सीरीज है जिस पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वेस्टइंडीज सीरीज से पहले ही मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक स्टार ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन सीएसके को अपने दम पर फाइनल जिताने वाले ऋतुराज गायकवाड़ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसे में भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शिखर धवन और ऋतुराज गायकवाड़ अगर बाहर हो जाते हैं तो टीम इंडिया के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होगा। शिखर धवन ऋतुराज गायकवाड़ के साथ साथ श्रेयस अय्यर के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होते ही पूरी टीम को क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं ये प्लेयर्स पूरी सीरीज से बाहर हो सकते हैं क्योंकि इनकी कोरोना रिपोर्ट्स नेगेटिव आने में समय लगेगा। ऐसे में रोहित शर्मा के सामने प्लेइंग 11 चुनने में संकट पैदा हो सकता है। 6 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला मैच खेले जाने है। हालांकि दोस्तों बाकी बचे 5 खिलाड़ियों का नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया है कि वो 5 खिलाड़ी कौन से हैं जो और भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। लेकिन दोस्तों ये बात तो पक्की है कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जाने वाली सीरीज से ठीक पहले ये खबर भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। तो दोस्तों इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें, साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।